गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ में आपको क्या पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ा रहा था लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ में, क्या पढ़ा रहा था आप लोगों को, पढ़ा रहा था द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसमें मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को अस्थाई आदेश पढ़ा रहा था, ठीक है। अब इसमें मैं द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना करने जा रहा हूँ, मुख्य प्रावधान बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आए। कौन सा क्वेश्चन? औद्योगिक नियोजन अस्थाई आदेश अधिनियम 1946 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए, प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अब क्या है प्रमुख प्रावधान, इसे क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। क्या है? पहला है इसे प्रमुख प्रावधान, ठीक है। इसके अंदर प्रावधान, इस एक्ट के प्रावधान क्या है, ठीक है, इस एक्ट के प्रावधान क्या है, तो क्या है, पहला है प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थान के नियोजन से जिनमें कि यह अधिनियम लागू है या अपेक्षा की जाती है कि वह अस्थाई आदेश तैयार करे, उन्हें प्रमाणन अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकरण हेतु समर्पित करें। यह अधिकारी साधारणता श्रम आयुक्त हुआ करता है। मतलब क्या है कि यह एक्ट क्या करेगा, नियोजक से जो औद्योगिक स्थापना के नियोजन है उसमें अधिनियम को लागू करे, जहां लागू हो गया है उसे प्रमाणन अधिकारी के समक्ष प्रकटी करे, और यदि ऐसा है तो श्रम आयुक्त इसका अधिकारी श्रम आयुक्त होता है। ये पहला प्रावधान है। दूसरा क्या है, इस अधिनियम के अधीन कर्मकार की परिभाषा में कतिपय परिस्थितियों में पर्यवेक्षणीय प्राविधिक व्यक्ति अंतर्विष्ट माना जाता है। पर्यवेक्षणीय प्राविष्ट व्यक्ति इसमें अंतर्विष्ट माना जाता है। पर्यवेक्षण जो पर्यवेक्षण करता है वही इसमें अंतर्विष्ट माना जाता है। प्रमाणकर्ता अधिकारी को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि अस्थायी आदेश के प्रलेख में कुछ बढ़ा घटा या परिवर्तन कर सके। प्रमाणन अधिकारी यदि उसके यहाँ जो उसके पास शक्ति है कि जो उसको आदेश या प्रलेख मिला हुआ उसमें घटा या बढ़ा सकता है, काटपीट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समान औद्योगिक संस्थानों के नियोजन संयुक्त अस्थाई आदेशों का प्रलेख भी समर्पित कर सकते हैं। औद्योगिक संस्थान के नियोजन जो होते हैं वो संयुक्त रूप से जो आलेख है प्रलेख है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ये छूट दी गई है प्रावधान। सरकार नियमों के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त आदर्श अस्थायी आदेशों की भी व्यवस्था कर सकती है। किसी नियोजक द्वारा तैयार किए गए अस्थायी आदेश के प्रलेख को जहाँ तक संभव हो आदर्श अस्थायी आदेश की समरूपता में बनाया जाना चाहिए। ऐसे प्रलेख आदर्श अस्थायी आदेश की प्रतिकूलता में कदाप नहीं हो सकते, ठीक। और अगला क्या है, यह नियम लगभग सभी ऐसे औद्योगिक संस्थानों पर लागू होता है जहाँ की 100 या 100 से अधिक कर्मचारी को नियोजित किया गया है। मतलब ऐसे नियम, ठीक है, जहाँ लगभग 100 से या 100 से अधिक कर्मचार कर रहे हैं काम, वहाँ ये इनके प्रावधान लागू होते हैं, इस एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। प्रमाणकर्ता अधिकारी को प्रमाणकर्ता अधिकारियों और अपील प्राधिकारियों को इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन कतिपय मामलों के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि ऐसे मामलों में एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होगा। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जो सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं इस एक्ट के अंतर्गत वही शक्ति
श्रम न्यायालय में वही शक्ति प्राप्त होगी जो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इस एक्ट की धारा द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की धारा 11 में कहा गया है कि जो न्यायालय जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है वही श्रम न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी। ठीक है, और जो अधिकारी है, ठीक है, प्रमाणकर्ता अधिकारी या अपीलीय अधिकारी जो है उनको ये दीवानी न्यायालय वाली शक्तियाँ सारी प्राप्त होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमाणीकरण के निमित्त अस्थाई आदेश के प्रलेख को समर्पित न करने पर नियोजक को दंडित किया जा सकता है। यदि अस्थाई प्रलेख डॉक्यूमेंट यदि नहीं प्रस्तुत करता है तो इसके लिए नियोजक को दंड दिया जा सकता है या अंतिम रूप से प्रमाणीकृत किसी उपबंध का खंडन करने के लिए दंड का भागी माना जा सकता है। यदि अंतिम रूप से कोई प्रलेख बच गया है और उसका खंडन कर दिया गया है तो उसके लिए नियोजक को दंड का भागी माना जाएगा। ठीक, समुचित सरकार गजट अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रवर्तन से किसी औद्योगिक संस्थान को छूट प्रदान कर सकती है। गजट में समुचित सरकार क्या चाहे, समुचित सरकार यदि गजट कर देती है, गजट द्वारा ये कह देती है कि इस संस्थान में ये अधिनियम के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे तो वहाँ ये प्रावधान उस पर्टिकुलर संस्था पे लागू नहीं होगा या सामूहिक संस्था में लागू नहीं हो सकता। ये ऐसा करना समुचित सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट, समुचित सरकार गजट अधिसूचना के पूर्व प्रकाशित किए जाने के उपरांत इस अधिनियम के प्रयोजनों के परिपालन के निमित्त नियमावली बना सकता है। मतलब इस अधिनियम के जो वो है प्रावधान है उसके लिए कोई कानून समुचित सरकार अलग से भी बना सकती है इस एक्ट के अलावा भी। ठीक है, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल एक्ट और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है, हो सकता है ये आ जाए, वो क्या है कि भारत के संविधान में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं, सुसंगत संवैधानिक उपबंधों का संदर्भ दीजिए। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के क्या उपाय किए गए हैं संविधान में, ठीक है, संविधान में, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, ये जो संविधान है तो संविधान में जितने भी प्रावधान, ठीक है, राज्य करता है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत करता है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों के लिए या अपने राज्य के लिए कोई ऐसा कानून बनाए जिस बना सकता है या अपनी स्वेच्छा से बनाएगा, कोई इसके लिए बात दाखिल नहीं कर सकता। नीति निर्देशक तत्व पर कोई आम आदमी बात दाखिल नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपवादिक परिस्थितियाँ कुछ और है लेकिन नॉर्मली नहीं करता, स्टेट का कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व में स्टेट का कर्तव्य होता है कि वो अपने अपने लोगों के लिए कुछ कानून बनाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो मातृत्व लाभ दिया जाता है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य, सामाजिक सुरक्षा क्या होता है वो समझ लीजिए। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य एक ऐसी सुरक्षा से है जो राज्य की ही एजेंसी द्वारा कतिपय ऐसे जोखिमों के विरुद्ध होती है जिसका की शिकार समाज के सदस्य को होना पड़ता है। सामाजिक सहायता की योजना अल्प साधनों से युक्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई जाती है जिससे कि वह अपने जीवन निर्वाह का एक स्तर बनाए रख सके तथा नियोजक और राज्य दोनों की ओर से सहायता प्राप्त कर सके, राज्य और नियोजक। तो ऐसे नियम कानून किसके लिए बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसे नियम और कानून किसके लिए बनाया जाएगा, ऐसे नियम कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कुछ कानून बनाए गए हैं कर्मचारियों की, कर्मचारियों के लिए क्या, कर्मचारियों की बीमारी के लिए, मातृत्व लाभ के लिए, वृद्धावस्था आदि के संबंध में कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है संविधान के नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक में, आर्टिकल 36 से 51 तक में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें राज्य ने अपने अपने लोगों के लिए, अपने व्यक्ति राज्य में स्थित व्यक्तियों के लिए कुछ कानून बनाए हैं, कुछ उनके विकास के लिए, कुछ उनके लाभ के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी हैं। वो क्या क्या है, कौन से आर्टिकल है मैं बता रहा हूँ,
भाग चार, आर्टिकल के भाग चार, संविधान के भाग चार, भाग चार में तो कुछ दिए गए हैं, तो भाग चार में क्या है, नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक के जो आर्टिकल बने हुए हैं, अनुच्छेद बने हुए हैं, वो नीति निदेशक तत्व है। तो इसमें कुछ राज्य का एक कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों के लिए कुछ कानून बना सकता है, उनके लाभ के लिए कुछ प्रावधान कर सकता है। तो इसमें कई ऐसे सेक्शन है जिसके अंतर्गत राज्य ने कुछ बनाया है कानून, वो क्या है, पहला उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43A के अंतर्गत ये क्या बनाया गया है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार का भाग लेना, यह आर्टिकल 43A के बता रही है। क्या बता रही है कि राज्य से यह अपेक्षा करता है, आर्टिकल 43 से राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों व स्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकार को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, कर्मकारों के लिए कोई काम करने के लिए कोई कदम उठाए या बना सकता है, कोई कानून बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 43 ये कहता है कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 41 क्या कहती है, कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो इसी के अंतर्गत जितने भी राज्य ये वो बनाते हैं, क्या नाम है, पेंशन वगैरह, जब लोग हितकारी कार्य के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार चलाती है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत ही बनाया जाता है। आर्टिकल 41 के अंतर्गत काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या अंगहीनता, अनर्हता, अभाव की जो सार्वजनिक कार्य है उनके लिए क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं। वृद्धा पेंशन, ठीक है, वृद्धा पेंशन, महिलाओं की प्रसूति पेंशन, ठीक है, प्रसूति सहायता, और भी सारे जो लोक कल्याणकारी सार्वजनिक कार्य होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं, राज्य इसी आर्टिकल के अंतर्गत बनाता है। ठीक है, तो सामाजिक क्या है, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो ये कानून है, ये जो आर्टिकल्स हैं वो मैं एक एक करके गिना दे रहा हूँ। ठीक है, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का उपबंध आर्टिकल 42 कहता है। आर्टिकल 42 क्या है, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का उपबंध करना, काम की न्याय संगत और मानवोचित, मानव के उचित के लिए, और काम की न्याय संगत, काम के जो न्याय संगत तरीके हैं उनके लिए राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, आर्टिकल 42 के अंतर्गत कोई नियम प्रावधान बना सकता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। आर्टिकल 43 यदि कोई कुटीर उद्योग बनाता है, आपने देखा होगा कुटीर उद्योग के लिए सरकार कितने सारे लोन्स देती है, ठीक है, तो आर्टिकल 43 के अंतर्गत सारे लोन्स वगैरह पास करती है, ठीक, सरकार जो कर्मकारों के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सके, जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार आर्टिकल 43 के अंतर्गत बहुत सी व्यवस्थाएं देती है। ठीक, समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए आर्टिकल 46 के अंतर्गत क्या करता है, आर्टिकल 46 के अंतर्गत समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, क्या करेगी, जो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति वगैरह होती है, तो देखे होंगे आप कि गांव में जमीन अलाट कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इनके अंतर्गत इन लोग कल्याणकारी राज्य कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 46 के अंतर्गत। ठीक, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध आर्टिकल 45 बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को मौलिक अधिकार दे दिया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में संशोधन करके क्या कर दिया गया है कि मतलब बच्चों जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा,
उनको ये उनका मौलिक अधिकार है, उन्हें स्कूल भेजा जाए, ठीक है, ये करती है। ठीक, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, आर्टिकल 47 की राज्य का यह कर्तव्य है कि क्या करें, कि राज्य का यह कर्तव्य है कि प्राथमिक कर्तव्य यह होता है कि क्या होता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का प्रयास करें, ठीक है, लोक स्वास्थ्य के सुधार का प्रयास करें। पोषाहार जो दी जाती है, पौष्टिक आहार दिए जाते हैं फ्री में प्राइमरी स्कूल वगैरह में, तो ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिए जाते हैं। सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। तो ये सब रहे सामाजिक सुरक्षा के लिए जो आर्टिकल में कुछ प्रावधान दिए गए थे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ प्रावधान जो दिए गए हैं उसके लिए ये क्या है, तो कुछ प्रावधान जो इसके अंतर्गत दिए गए हैं तत्व के अंतर्गत, वो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाया जा सके, ठीक है। अब आपका हो गया ये खत्म, ठीक है, लेबर लॉ खत्म हो गया। लेबर लॉ